अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बनाएंगे एक नई रेसिपी। बहुत ही टेस्टी और चटपटी सी होती है, बच्चे बड़े को सबको बहुत ही पसंद आती है। आप इसे ज़रूर ट्राई करें और इसके लिए हमें गैस भी जलाने की ज़रूरत नहीं है। हम यहाँ पे देख लेंगे इंग्रेडिएंट्स। हमने यहाँ पे दो छोटे आलू लेके इसे स्लाइस में काट लिया था, ये बॉयल आलू है। यहाँ पर हम ले लेंगे एक छोटी सी प्याज, उसे भी स्लाइस में काट लेना है। थोड़ा सा हम शलजम ले लेंगे, इसे भी स्लाइस में काट लेंगे। एक छोटी सा टमाटर लेंगे, उसे भी स्लाइस में बारीक बारीक हमें काट लेना है। यहाँ पर आप और भी सब्जियाँ ले सकते हैं। अब हम यहाँ ले लेंगे आधा छोटा चम्मच पानीपुरी मसाला। पानीपुरी मसाला ना हो तो आप जलजीरा भी ले सकते हैं। पानीपुरी मसाला रेसिपी मेरे चैनल पे है, आप डिस्क्रिप्शन में जाके वहाँ से देख सकते हैं। अब यहाँ पर हम ले लेंगे आधा छोटा चम्मच रेड चिली फ्लेक्स, एक चुटकी काली मिर्च पाउडर ले लेना है, एक छोटा चम्मच से भी कम ले लेना ओरिगानो। यहाँ पर हम ले लेंगे तीन पैकेट बिस्किट ले लेना है। हमें कोई भी नमकीन बिस्किट ले लेना है, यहाँ पे हमने क्रैकजैक बिस्किट का यूज़ किया है। कोई भी नमकीन बिस्किट ले लें, आप फीकी बिस्किट ना लें। बिस्किट और सब्जियों को आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पर हम ले लेंगे थोड़ा सा हरा धनिया, धनिया को हमने साफ़ करके अच्छे से धुल लिया था। तीन हरी मिर्चें ले लेनी है, चार लहसुन की कलियाँ, थोड़ा सा अदरक, थोड़ा सा पुदीना और एक छोटा चम्मच भुनी हुई मूंगफली ले लेना है। मिर्चें आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पे हम एक मिक्सी का जार ले लेंगे, हरा धनिया डाल देंगे, इसके बाद मिर्चें डाल देंगे, लहसुन की कलियाँ डाल देना, अदरक। अब हम इसमें डाल देंगे पुदीना और जो हमने मूंगफली ली थी वो भी डाल देना है। और हम डाल देंगे इसमें आधा छोटे चम्मच के करीब नमक। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। अब हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा एकदम ठंडा पानी डाल देना है। ठंडा पानी डालने से चटनी का कलर हरा ही रहता है। देखिए, आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर बारीक सा चटनी पीस लिया और हमें गाढ़ी गाढ़ी चाहिए, हमने थोड़ा ही पानी डाला था। यहाँ पे ले लेंगे एक बर्तन और इसमें डाल देंगे हमने जो ओरिगानो, रेड चिली फ्लेक्स, पानीपुरी मसाला लिया था वो डाल देना है और अच्छे से हम मिला लेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें नई नई रेसिपी के लिए। हमने बिस्किट को एक बर्तन में निकाल लिया था। अब हम इसमें लगा देंगे हरी चटनी जो हमने तैयार की थी, कि हमें गाढ़ी चटनी तैयार करनी है, पतली नहीं, नहीं तो चटनी बह जाएगी। ये देखिए, हमने सारे बिस्किट पे चटनी को लगा लिया है। अब हम इसमें लगा देंगे हमने जो स्लाइस किया हुआ प्याज है वो रख देना है। प्याज के बाद हम इसमें लगा लेंगे टमाटर की स्लाइस। हमें सारे बिस्किट पे टमाटर लगा लेना है। देखिए, आप देख सकते हैं हमारे टमाटर लग चुके हैं। अब हम आलू जो हमने बारीक स्लाइस किया था वो भी लगा लेंगे। अब हम इसमें रख देंगे शलजम। देखिए, यहाँ पे देख सकते हैं शलजम भी हमने रख दिया है। अब हम इसमें जो हमने मसाला तैयार किया था पानीपुरी ओरिगानो वाला वो डाल देना है अच्छे से। मसाला डालने के बाद हम इस पर डाल देंगे हरी चटनी जो हमने तैयार की थी। आप नमकीन ही बिस्किट लें, इस बात का ज़रूर ख्याल रखें, फीकी बिस्किट पे ये अच्छा नहीं लगेगा। आप देख सकते हैं हमने चटनी सारे सैंडविच पे लगा दी है। ये देखिए, ऊपर से हम वापस से बिस्किट रख देंगे। ये देखिए, हमने यहाँ पर सारे बिस्किट रख दिए हैं। थोड़ा सा हरा धनिया छिड़क देंगे। इसके बाद हम डाल देंगे बारीक वाली जो सेव आती है, ये ऑप्शनल है, आपके पास ना हो तो आप ना डालें, कोई ज़रूरी नहीं है कि सेव डालें, मेरे पास थी इसलिए मैंने डाल दी। देखिए, तैयार है हमारा टेस्टी सा और हेल्दी सा बिस्किट का सैंडविच। आप इसे इंजॉय करें, हल्की फुल्की भूख में या शाम के नाश्ते में आप इसे ज़रूर बनाएं।